या परिभाषा से। तो यहाँ मैंने दो डेफिनेशंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो जो इजी हो आप उसको याद कर सकते हैं और डेफिनेशन याद रखें, क्योंकि मिड टर्म में कभी कभी डेफिनेशंस भी आ जाती है। तो डेफिनेशंस तो क्योंकि वो छोटा क्वेश्चन बन जाता है, इसमें एक छोटा स्मॉल क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए डेफिनेशंस को भी आप लोग याद रखें। तो देखते हैं हम सर्कल क्या होता है। तो सर्कल का फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने लिखा है वो है, अ सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये हम सबको मालूम है कि वृत्त कैसे बनता है, इस पूरा गोलाकार बनता है, उसका एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, इस तरीके से बनाते हैं कि उस सेंटर से वो जो हम उसके आसपास पूरा गोला खींचते हैं वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में भी आप देख रहे हैं कि एक सेंटर है और उस सेंटर के आसपास काफी सारे पॉइंट्स हैं, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सेंटर से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पे। तो जब आप इन बिंदुओं को मिलाओगे, जब इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करोगे, तो आपको एक सर्कल मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा। तो उसी को देखते हैं, वो उसकी डेफिनेशन है। दूसरी और एक और डेफिनेशन है अच्छी, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे उन बिंदुओं का कलेक्शन है ना, संग्रह, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे, बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पे हो, लेकिन किससे, एक फिक्स्ड पॉइंट से जो कि उसका सेंटर होता है, उसको हम सर्कल कहते हैं, है ना। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है, इसको आप लोग याद रखें, एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो ये तो हो गई सर्कल की डेफिनेशन। उसके बाद कुछ कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए, सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन ये हमें पता होना चाहिए यदि हम लोग सर्कल को पढ़ रहे हैं। तो सर्कल को यदि हम जब भी पढ़ते, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी, तो स्ट्रेट लाइन में आपको क्या पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है ना, ये सब बेसिक चीजें हैं उसकी, ये आपको पता होना चाहिए, पॉइंट क्या होता है। यदि ये चीजें आपको नहीं मालूम है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, वाई एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, स्लोप को किस तरीके से, तो ये सब चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आप लोग उसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ बेसिक्स की चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और जिन लोगों को डाउट है वो अपना डाउट लिख के रखें, स्लाइड वाइज यदि कोई दिक्कत है तो स्लाइड वाइज लिख के रखें। ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होने के बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके क्वेरीज पे, आपके डाउट्स पे। तो हमारी बात हो रही थी कि सर्कल की कुछ बेसिक चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे रेडियस क्या होती है ना। तो रेडियस क्या होती है, वो डिस्टेंस सेंटर से लेकर के उसके सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। डायमीटर, डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स ऑफ रेडियस जो होता है वो डायमीटर होता है, यानी व्यास, हिंदी में उसको बोलते हैं व्यास। रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। सर्कमफेरेंस यानी परिधि, उसके आसपास की जो उसका पथ है, उसका जो पाथ है, जो उसका लोकस है, उस पूरे पथ का, उस पूरे पाथ का, उस लोकस का पूरा डिस्टेंस कितना होता है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, यानी परिधि। कॉर्ड यानी जीवा। वृत्त का चाप यानी आर्क। टेंजेंट यानी स्पर्श। या ये सब चीजें क्या होती है आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसके कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं, जैसे सर्कल का यदि एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू कितना है, कितना होता है, 22/7 या 3.14, ये पाई का वैल्यू होता है। दूसरा, यदि इसका सर्कमफ्रेंस की बात करें, इसके परिधि की हम बात करें, तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ये होता है, या फिर उसको पाई डी भी, यदि उसका डायमीटर यदि डी है ना, तो उसका फार्मूला पाई डी भी आप लिख सकते हो, क्योंकि जो रेडियस होती है आर इक्वल टू 1 पाई 2 डी। सर्कम आपका जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, उसका आधा जो होता है ना, 1/2, वो त्रिज्या होती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें वृत्त की, बेसिक चीजें सर्कल्स की जो आपको मालूम होना चाहिए, या हमेशा समझते हैं कि आपको मालूम है।
अब ये एक एग्जाम्पल है, डे टू डे लाइफ का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, जिससे आप सर्कल को समझ सकते हैं कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है। इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक टॉपिक है, वो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हूज सेंटर एंड रेडियस आर नोन। ये फर्स्ट टॉपिक है सर्कल का, कि एस उस सर्कल का, उस वृत्त का समीकरण निकालते हुए हमें आना चाहिए, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करते आना चाहिए, जिसका कि हमको क्या मालूम हो, Whose center and radius are known। और यदि आप कहीं ऐसी जगह सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वहां आप कॉपी पेन लेके भी बैठ जाइए, ताकि मैं दो चीजें बोलूं उसको करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हूज सेंटर एंड रेडियस आर नोन, इट मीन्स कि हमको उस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकाला जाए, जिसका कि हमको सेंटर क्या है ये मालूम हो, और रेडियस यानी उसकी त्रिज्या क्या है ये मालूम। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो तरीका है, वो ये है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले से आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, जब आपको उसका सेंटर क्या है वो मालूम हो और उसकी रेडियस क्या है वो मालूम हो। अब इस फॉर्मूले में एक्स और वाई हमारे वेरिएबल है, तो ये एक्स और वाई तो हमारे वेरिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी इसकी वैल्यू यदि पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो ठीक। इसके अलावा एच है दिख रहा है आपको, के दिख रहा है, ये एच और के क्या है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर मतलब सेंटर के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है एच, वाई कोऑर्डिनेट है के। तो यदि सेंटर का कोई वैल्यू दिया हो, यहाँ पे तो हमने उसको एच मान लिया और के मान लिया हो, यदि आपको यदि वैल्यू दे दी जाए, तो वो वैल्यू को एच की जगह एच की वैल्यू पुट करना है, के की जगह के का वैल्यू पुट करना है, और रेडियस आर जो है उसका स्क्वायर कर देना है, आर स्क्वायर। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है नंबर वन, उसमें देखो एक सेंटर है, वो सेंटर का जो पॉइंट है वो एच के है, तो क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ सकते हैं। क्या सैफी को कोई सर दिक्कत? इसके बीच में हाँ पूछो। हिंदी मीनिंग भी बता दिया करो सर उसकी। किसका हिंदी मीनिंग बताओ। सर ये रेडी से तो इसके मतलब हिंदी में क्या रेडियस का बोलते हैं मैंने सर बताया था उसको? बेटा, त्रिज्या होती है, बताया मैंने, मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूँ, दोनों में ही बता रहा हूँ, है ना। रेडियस का मैंने बता दिया, इसके पहले की स्लाइड में पूरा लिखा हुआ है, देखो यहाँ बताया था मैंने, इसमें देखो वृत्त के विभिन्न भाग हैं, रेडियस को मैंने बताया था कि त्रिज्या होती है, डायमीटर को बताया था कि व्यास होता है, सर्कमफ्रेंस को परिधि बोलते हैं, ये सब मैंने बताया था, अब तुमने या तो सुनो अच्छे से ध्यान से, है ना, मैं बता रहा हूँ हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, और किसी को दिक्कत सर वो पूछो। सेंटर फॉर्मूला को एक बार सर फिर से बता दीजिए। सेंटर वाला फॉर्मूला तो हम अभी चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यस ये तो हमारा चल ही रहा है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई थिंक मैं हिंदी में तो बोल रहा हूँ, ऐसा तो कोई मुझे दिक्कत नहीं कि मैं हिंदी में नहीं बता रहा हूँ, हिंदी में भी बराबर से बता रहा हूँ, ये तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हिंदी में नहीं बता रहा हूं।
क्योंकि मुझे मालूम है कि हिंदी में बताना ही पड़ेगा, तो वो हिंदी में तुम्हें बता के ही चल रहा हूं। हाँ, तो ये कौन है सेफी, क्यों रेज हैंड कर रहा है या कर रही है, पूछो। तो ये सेंटर रेडियस यानी कि केंद्र और त्रिज्या वाला फार्मूला है। अच्छा, दूसरा मैं बता दूं आपको, मिड टर्म का पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना, मिड टर्म का पेपर हिंदी में नहीं आएगा, वो इंग्लिश में ही आएगा, है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखें और इंग्लिश में पढ़ना आप स्टार्ट करो, क्योंकि हिंदी मीडियम नहीं है आपका, इंग्लिश ही मीडियम है एग्जाम का, तो आपको लिखने की आजादी है, बट आप उसको थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करिए, आपको आगे दिक्कत आएगी नहीं तो, क्योंकि बुक्स नहीं मिलेगी आपको हिंदी में। तो ये हमारा टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस आर नोन, तो जिसका केंद्र और त्रिज्या हमको मालूम हो, उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। जो फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल याद कर लो। अब इसमें एच क्या है और के क्या है, तो चित्र जो दिख रहा है, जो पिक्चर आपको दिख रहा है, उसमें देखो सेंटर के पास लिखा हुआ है एच और के, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो एच और के होते हैं, है ना, जो अक्षांश होते हैं। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक जो है वो एक्स और वाई है, तो ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल की इक्वेशन ये होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको सेंटर रेडियस फॉर्म भी बोलते हैं, है ना, तो सेंटर यदि एच के हो और रेडियस आर हो, तो इस फॉर्मूले से आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसी इक्वेशन से एक और इक्वेशन जो फाइंड आउट होती है वो ये कि मान लो कि जो आपको पिक्चर नंबर वन में सेंटर दिखाई दे रहा है, यदि ये सेंटर को हम चेंज करके इसको ओरिजिन पे ले आए, सर्कल की देखो पहले नंबर चित्र नंबर वन में पिक्चर नंबर एक में जो सर्कल है और पिक्चर नंबर टू में जो सर्कल है, उसमें आप एक अंतर देखोगे कि पिक्चर नंबर वन का जो सर्कल है उसका सेंटर कहीं और है, पिक्चर नंबर टू का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, यानी मूल बिंदु पे है, जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं, और मूल बिंदु की जो वैल्यू होती है वो जीरो जीरो होती है। जीरो जीरो होने से जो ये सेंटर है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जीरो और जीरो, यानी एच की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, के की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो जो हमारा फॉर्मूला था सेंटर और रेडियस वाला, यदि उसमें h इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, k इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, अब आप कॉपी में रख के देख लो, यदि कॉपी हो आपके पास में रख के देखो, h की जगह जीरो पुट करो, k की जगह जीरो पुट करो, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यदि सेंटर जो है केंद्र का, जो केंद्र बिंदु है वो यदि मूल बिंदु हो जाए, जीरो जीरो हो जाए, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं आगे, इस स्लाइड में किसी को, इस स्लाइड में किसी को दिक्कत, नो सर, नो तो सर, ये आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड को देखो। नेक्स्ट स्लाइड को देखो कि ये फार्मूला तो हमने चलो याद कर लिया, इसको याद कर लिया, समझ भी लिया, अब इसमें सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सवाल कैसे बनेंगे, तो इसमें इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस आर नोन, इस टॉपिक पे दो तरीके के प्रॉब्लम्स बनते हैं। पहला जो प्रॉब्लम बनता है या क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आपको पूछा जाएगा कि सर्कल का इक्वेशन निकालो, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जबकि उसका केंद्र और उसकी त्रिज्या आपको मालूम हो, जबकि उसका सेंटर और रेडियस आपको नोन हो, एक तो ये सिचुएशन आएगी। दूसरी सिचुएशन क्या आएगी कि उल्टा सेंटर और रेडियस पूछ ले जाए आपसे और सर्कल की इक्वेशन आपको दे दी जाए,
इस टॉपिक पे ये दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि आपको सेंटर और रेडियस दे दी जाए क्वेश्चन में कि ये केंद्र है और ये त्रिज्या है, तो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का समीकरण निकालो, या इसका उल्टा कि आपको इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए कि इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा ये पता निकालो। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन एक-एक, दोनों देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है उसको। तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, मैं आपको कराऊंगा, आप लोग अपनी कॉपी में भी सॉल्व करके देख सकते हैं बाय हैंड। बिल्कुल क्या हुआ अंशुल? इसलिए मैं माइक सबके पहले ही बंद कर देता हूँ, बीच में पूछने नहीं देता हूँ, क्योंकि बीच में भी कुछ और कुछ 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 करते हो तो फिर दिक्कत होती है लेक्चर में। तो जिसको भी दिक्कत हो अपनी प्रॉब्लम अब लिख के रखे, मैं अब आपको आखिरी में ही पूछूंगा, क्योंकि ऐसे में फिर आपका ना आधे घंटे का लेक्चर जो है वो 2 घंटे का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यदि आपको दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन आप देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर -2, 3 एंड रेडियस 4। बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, है ना, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। आप ऐसा सोचे कि बहुत कठिन है और समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल नहीं, केवल जोड़ना, गुणा करना है, भाग देना है, इतना मैथमेटिक्स सबको आता है। केवल मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। हमको फाइंड आउट करना है, और ये इंग्लिश में ही आएगा क्वेश्चन, हिंदी में नहीं आएगा, इसी तरीके से आएगा। मिड टर्म का पेपर इसी ऐसी ऐसी तरीके से आता है, मेन थ्योरी का पेपर आता है दोनों लैंग्वेजेस में। अब ये क्वेश्चन है पहले तरीके का कि सर्कल का समीकरण निकालना है जबकि हमको सेंटर का वैल्यू दिया हुआ है। सेंटर का वैल्यू दिया है -2 और 3, और रेडियस का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई हमको तो इक्वेशन पूछी है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, -H² + Y - K² = R² इसमें सेंटर है हमारा एच के और रेडियस है आर। सिंपल, लेकिन सेंटर की वैल्यू तो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी दी है, -2 और 3। यानी कि जो सेंटर है हमारा H और K, वो है हमारा -2 और 3। इसका मतलब ये है कि H का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -2, क्योंकि H की जगह -2 है, तो H का वैल्यू हो गया -2। K का वैल्यू हो जाएगा 3, H का वैल्यू हो गया -2, K का वैल्यू हो गया 3। रेडियस का जो वैल्यू है वो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 4। एक तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, दूसरा हमें जो जो वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में वो हमने लिख ली। अब हमने क्या किया, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमने सारी वैल्यूज को पुट किया। तो आप देखो, बिल्कुल ध्यान यही ध्यान देना है कि ये कैलकुलेशन ही मेन है, जोड़ना घटाना ही है, कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन इस जोड़ने घटाने में गलती होती है। तो फॉर्मूले को हम देखे तो एक्स था, तो एक्स लिखा हमने सबसे पहले। आप चाहो तो साथ में साथ सॉल्व भी कर सकते हो। एक्स की जगह हमने एक्स लिखा, माइनस, तो माइनस लिखा। उसके बाद है एच, एच का वैल्यू कितना है, -2। तो एच का वैल्यू -2 है, तो हमने क्या किया, एक्स माइनस फिर -2, क्योंकि एच का वैल्यू -2 है। ब्रैकेट को क्लोज किया, स्क्वायर है फॉर्मूले में, स्क्वायर लगाया, प्लस। फिर फॉर्मूले में आता है वाई, y माइनस k का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 पुट किया हमने, अगेन ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर है यानी 4 स्क्वायर, तो हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब
इक्वेशन नंबर थ्री को देखो, इक्वेशन नंबर थ्री कहां से आई? इक्वेशन नंबर टू में x माइनस माइनस टू था, तो वो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो अब हो गया हमारे पास में x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस बाकी चीजें हमने वैसे ही लिखी है y माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू, अब फोर का स्क्वायर कर दिया हमने, तो इक्वेशन नंबर थ्री में फोर स्क्वायर हो गया हमारा 16। अब इक्वेशन नंबर थ्री में हम क्या करेंगे कि अब यहां फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, कौन से फॉर्मूले जो राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं, एक तो फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको ओपन करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से, ए माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी से, तो ये जो x प्लस टू होल स्क्वायर है इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू इंटू टू फोर फोर एक्स प्लस y माइनस थ्री होल स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर माइनस 3 इंटू टू सिक्स वाई। अब ये ओपन हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ओपन होने के बाद हमने ब्रैकेट्स को हटा लिया इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है 3 स्क्वायर था तो उसको 9 लिख लिया, 2 स्क्वायर को 4 लिख लिया, तो इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 6 जो है ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तो दो तीन स्टेप में हो जाएगा, लेकिन ये मैंने आपको क्लियर हो इसलिए स्टेप बाय स्टेप उसको किया है। इक्वेशन नंबर 6 में हमने क्या किया, x स्क्वायर को पहले लिखा, अब दूसरा कोई x स्क्वायर तो है नहीं, तो फिर हमने y स्क्वायर लिखा, y स्क्वायर भी अकेला ही है ठीक है, प्लस 4x, 4x भी अकेला है, दूसरा कोई x है नहीं, 4x माइनस 6y लिखा वो भी अकेला है प्लस, अब जो बिना x और y वाली वैल्यूज उनको साथ में लिख लिया प्लस 4 9 प्लस 9 ठीक है 16 अभी हमारा इधर ही है, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y एज इट इज लिखेंगे, 9 प्लस 4 हमारा हो गया 13, और जो 16 था इक्वेशन नंबर 6 का इसको हम राइट हैंड साइड से लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, 13 माइनस 16 हो जाएगा आपका माइनस 3, तो सर्कल की जो इक्वेशन है फाइन फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि सेंटर दे दिया जाए आपको, रेडियस दे दिया जाए, तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है, इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टू फॉर्मूलास, तो इनकी मदद से आपको क्या करना है, और इसका मैंने चित्र भी बना दिया इस क्वेश्चन का कि इस तरीके से ये है, चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं आपको, ये तो आप समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो ये तो हो गया एक तरीके की प्रॉब्लम। अब इसके बाद में जो दूसरे तरीके की प्रॉब्लम है वो है ये, जो दूसरे तरीके का क्वेश्चन है वो है ये, अब इसको यदि पढ़ पा रहे हो तो आप लोग पढ़ो ध्यान से कि ये प्रॉब्लम अलग तरीके का है, जो अभी हमने देखा उससे अलग है। ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है, इसमें ना सेंटर और रेडियस पूछ लिया है और सर्कल की इक्वेशन हमको दे दी है ना, ये क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन में हमको देखो पढ़ो उसको, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ये एक इक्वेशन दी हुई है। अब उल्टा हो गया, इक्वेशन दे दी, पूछ लिया है सेंटर और रेडियस, तो ठीक है जो दिया है उसको लिख लिया हमने पहले, गिवन जो दिया है उसको लिख लिया, x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36 इसको लिख लिया। लिखने के बाद में जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कहां से है उसको देखो, ये जो x प्लस 5 था इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 5 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस वापस प्लस हो जाएगा, तो
इसको हम ये सर लिख सकते हैं, x प्लस फाइव होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री होल स्क्वायर को एज इट इज 36 का 36 एज इट इज। अब हमको मालूम है, वी नो दैट सर्कल ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय, सर्कल की इक्वेशन है वो क्या होती है, अब वो फार्मूला लिखेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो सर्कल का फार्मूला होता है, इक्वेशन नंबर टू। इस इक्वेशन नंबर टू के नीचे हमने इक्वेशन नंबर वन को लिखा x माइनस माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 36। फिर इसको कंपेयर किया आपस में, कंपेयर करने पे हमको क्या मिला कि h की जगह क्या है माइनस फाइव है, k की जगह क्या लिखा हुआ है थ्री है ना, h की जगह माइनस फाइव है लेकिन k की जगह थ्री है, वो माइनस थ्री नहीं है, वो तो फॉर्मूले में ही है माइनस, ठीक है, तो k की जगह थ्री, r स्क्वायर की जगह क्या है 36, r स्क्वायर की जगह 36 है, h का वैल्यू माइनस फाइव मिल गया, k का वैल्यू थ्री मिल गया, तो इसका मतलब सेंटर क्या है सर्कल का एच के, एच का वैल्यू माइनस फाइव, के का वैल्यू थ्री, तो एच के का वैल्यू क्या हो गया माइनस फाइव और थ्री, लेकिन रेडियस, रेडियस तो आर होती है ना, आर स्क्वायर थोड़ी होता है रेडियस, तो आर स्क्वायर का वैल्यू यदि 36 है तो आर का वैल्यू कितना होगा 6, क्योंकि जब 6 का वर्ग करेंगे तो 36 36 मिलेगा हमको। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है मिड टर्म में, इस तरीके के क्वेश्चन भी मिड टर्म में आ सकते हैं कि आपको इक्वेशन दे दी जाए और ये पूछ लिया जाए कि बताओ इसका सेंटर क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा, तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे, सेंटर रेडियस वाले पे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सर्कल का वो है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ी वो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी या सेंटर रेडियस फॉर्म था सर्कल का, अब पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जनरल मतलब सामान्य, सामान्य समीकरण वृत्त का है ना, अभी हमने जो पहले पढ़ी वो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, लेकिन एक और इक्वेशन होती है सर्कल की उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। तो इतना जो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है इसको आप इस पूरे स्लाइड में आपको क्या याद रखना है, जो इक्वेशन नंबर टू है वो देखो, जो जो मैंने आपको ब्लू कलर में जो इक्वेशन नंबर टू जो लिखा हुआ है ब्लू कलर में और राइट का मैंने जो निशान लगाया हुआ है ना वहां आप देखो, ये जो इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है, इसको आप याद रख लो। अब जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी और उसका सेंटर और रेडियस होता था, वैसे ये जो जनरल इक्वेशन है इसका भी एक सेंटर होगा, वो सेंटर क्या होगा माइनस जी माइनस एफ, और ये माइनस जी और माइनस एफ किसके बराबर होगा सेंटर के ना, तो एच और के बराबर होगा क्योंकि एच और के तो हमारा सेंटर है, जो रेडियस होगी आर वो होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के टॉपिक में, आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसका सेंटर जो होता है वो होता है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस जो होता है वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये जनरल इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है। अब वो मैंने यहाँ पे इस करके लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से जनरल इक्वेशन कैसे आती है, वो यहाँ पे यदि आप करना चाहे देखना चाहे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कैसे उस इक्वेशन से इक्वेशन आ जाती है, तो उस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर एक से इक्वेशन नंबर टू भी आ जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं पूछा जाता है, पर ये मैंने करके रखा हुआ है, यदि आप किसी को जानने की जिज्ञासा हो तो देख सकता है कि किस तरीके से पहली वाली इक्वेशन से जनरल इक्वेशन आती है, तो इसको हम याद रखें ध्यान रखें
अब हम देखेंगे कि इस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही है, जनरल इक्वेशन, वही जनरल इक्वेशन क्या होती है, इस वाली स्लाइड में भी वही दिया हुआ है, और इसका प्रूफ दिया हुआ है कि कैसे जनरल इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है, दोनों तरफ से। स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप जनरल इक्वेशन में जा सकते हो, जनरल इक्वेशन से आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में जा सकते हो, उसका मैंने सॉल्यूशन करके दिया हुआ है कि किस तरीके से वो आती है। तो खैर ये एग्जाम में आता नहीं है, बट आप देख सकते हैं, हम तो चलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस पे। हाँ, तो ये वाला स्लाइड देखो, स्लाइड नंबर 11। फाइंड द जनरल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ सेंटर रेडियस फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं लिखा हुआ है, जो अभी हमने पढ़ा था, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये पढ़ा था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पूछा है कि जनरल फॉर्म क्या है, वो निकालना है आपको किसी सर्कल का, जबकि उसकी रेडियस 5 है और सेंटर क्या है 3 और 2 है, कोई दिक्कत नहीं, उसी इक्वेशन से आ जाएगा, उसी फॉर्मूले से आ जाएगा। वो कैसे आएगा देखो, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा, सेंटर क्या है हमारा 3 और 2, तो एच की जगह रखा 3 जो ब्लू में है, के की जगह रखा 2 जो ग्रीन में है, आर की जगह रखा 5 क्योंकि रेडियस का वैल्यू 5 है जो रेड में है। ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मैंने रेड में उसको ओपन भी करके लिखा हुआ है, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसी तरीके से वाई माइनस टू होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हमें मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ठीक है, ये मिलेगा। तो x माइनस थ्री होल स्क्वायर को हमने ओपन किया और y माइनस टू को हमने ओपन किया, y माइनस टू होल स्क्वायर को ओपन किया और 5 का स्क्वायर किया, मिल गया हमको 25। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 25। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे और इक्वल के राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे हमने क्या किया, ये 25 से सबट्रैक्ट किया, 25 को घटाया। तो 25 को सबट्रैक्ट करने के बाद, घटाने के बाद क्या होगा, राइट हैंड साइड पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो क्या बचेंगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12, ये बचेगा। तो ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन के जैसी इक्वेशन बन गई। मैं आपको फिर से दिखाता हूं जनरल इक्वेशन, उसको देखो आप। ये है हमारी जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पे 0 है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर वाई स्क्वायर है, फिर 2gx है और फिर 2fy है। इसको यदि हम देखेंगे यहाँ पर हमारे आंसर से, तो ये भी उसी तरीके का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, यदि आपको सेंटर दिया है 2 और 3 और रेडियस दिया है 6, ठीक है, तो इस तरीके से आप जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं, जबकि आपको सेंटर दिया हो, जिसको भी प्रॉब्लम है वो अपना प्रॉब्लम नोट करके रखे, अभी किसी का भी माइक्रोफोन ओपन ऑन नहीं होगा। अब स्लाइड नंबर जो 12 है उसको आप देखिए कि यदि आपको जनरल इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, तो उससे कैसे सेंटर और रेडियस निकाला जाता है ना। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यदि ये इक्वेशन दी हुई है
तो इससे कैसे हम लोग रेडियस और यानी कि त्रिज्या और केंद्र का पता लगा। यदि सर्कल की समीकरण ये है, वृत्त का समीकरण यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो ये है, तो इससे सेंटर और रेडियस का पता कैसे लगाए। तो अपनी कॉपी में लिख लो ये इक्वेशन, जो इक्वेशन हमको दी हुई है अपनी कॉपी में इसको लिखो। यदि जो लोग लिख रहे होंगे तो वो लिखे, तो कहाँ दिक्कत आएगी तो वहां नोट डाउन करके रख ले कि यहाँ दिक्कत आती है, तो मैं बताऊंगा कैसे उसको सॉल्व करना है। तो हमने पहले लिख लिया जो इक्वेशन हमें दी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन, गिवन इक्वेशन, ये हमको दी हुई है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन है क्योंकि हमको तो उसी से कंपेयर, क्योंकि उसके जैसी दिख रही है ये। तो हमने जनरल इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन नंबर टू है हमारी, ये हमने हमको याद है, ये फार्मूला हमको मालूम है, तो फार्मूला हमने लिख दिया। अब ना इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को हमको कंपेयर करना है आपस में, कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर भी है, बिल्कुल, प्लस की जगह प्लस भी है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो ये प्लस टू जी एक्स की जगह क्या है, प्लस फोर एक्स, तो इसको हमने लिख लिया टू जी एक्स बराबर क्या है यहाँ पे, फोर एक्स लिख लिया। इट मीन्स अब एक्स से एक्स तो हो गया कैंसल, कैंसल कर दो एक्स से एक्स को, बचेगा क्या तुम्हारे पास में, टू जी इक्वल टू फोर, ये बचेगा। अब इस g के साथ में जो 2 है इसको हम ले आएंगे राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ की तरफ, तो क्या बचेगा, g इक्वल टू 4 बाय 2, ये बचेगा। g इक्वल टू 4 बाय 2 को जब सॉल्व करेंगे तो g का वैल्यू कितना मिलेगा, 2, तो हमको क्या मिल गया, वी गेट g मिल गया। अब आगे ये जो इक्वेशन नंबर टू है उसमें आप देखो वहां है हमारा टू एफ वाई, अब ये जो टू एफ वाई इसकी जगह क्या है, ये माइनस सिक्स वाई है, प्लस का नहीं है, ये माइनस है, माइनस सिक्स वाई, तो हम लिख लेंगे टू एफ वाई इक्वल टू माइनस सिक्स वाई, ये लिख लिया हमने। वाई से वाई कैंसिल हो गया, बचा टू एफ इक्वल टू माइनस सिक्स, फिर वही इस 2 को हम ले गए सीधे हाथ की तरफ, यहाँ उसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा था तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो f का वैल्यू क्या होगा, माइनस सिक्स बाय 2, सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू कितना मिला, माइनस 3, तो हमको g भी पता चल गया f भी पता चल गया। अब हमको चाहिए c, तो c की जगह तो 4 लिखा ही हुआ है, तो c का वैल्यू तो 4 हो गया, तो वी गेट c, तो जो सेंटर है वो क्या होगा, यदि सेंटर हो तो क्या होगा, एच के यानी माइनस जी माइनस एफ, जी का वैल्यू कितना मिला था, 2, सेंटर हो जाएगा माइनस 2, एफ का वैल्यू मिला था माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेंटर मिलेगा माइनस 2 और 3। रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी का स्क्वायर किया, एफ स्क्वायर का स्क्वायर किया, माइनस सी किया, सॉल्व किया तो मिला रेडियस 3। तो यदि इस तरीके की इक्वेशन है तो इसको जनरल वाली इक्वेशन से कंपेयर करके जी एफ सी इनका वैल्यू पता लगाएंगे और सेंटर और रेडियस का हम पता लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यही एक और एग्जांपल है, इसको आप लोग करके देखिएगा, सॉल्व किया मैंने, आप लोग करके देखिएगा, कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, है ना। तो ये भी एक इक्वेशन है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से किया है, इसको आप करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा, होमवर्क है जो होमवर्क। अब हम लोग बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, और सिंपल टॉपिक भी है इंपॉर्टेंट भी है। सिंपल इसलिए है क्योंकि केवल एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में केवल आपको वैल्यू रखनी है बस, और फॉर्मूला भी सिंपल है। ये टॉपिक जो है ये है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose diameter is line joining two points x1 y1 and x2 y2। यानि कि ऐसे वृत्त का समीकरण निकालना जिसका कि जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है,
उस डायमीटर के जो दोनों अंतिम बिंदु हैं, है ना, जिनको मिलाने पे वो डायमीटर बनता है, वो जो व्यास बनता है, यदि वो डायमीटर आपको मालूम है ना, यदि वो व्यास आपको मालूम है, वो बिंदु आपको मालूम है x1 और y1 और x2 और y2 के रूप में, तो उसका इक्वेशन या उसका समीकरण क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसको निकालने का तरीका ये है, x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इनटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ ना h है, ना k है, ना r है, ये अलग ही सिचुएशन है। यदि केवल दो बिंदु आपको दे दिए जाए, दो पॉइंट्स आपको दे दिए जाए, और वो पॉइंट्स क्या है, वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपस में यदि हम मिलाएं तो वृत्त का डायमीटर बनता है, वृत्त का व्यास बनता है। चित्र में भी आप देखो, एक वृत्त है, उसके दो पॉइंट है पी और क्यू। पी जो है वो x1 y1 है, क्यू जो है वो x2 y2 है। यदि ये हमको मालूम हो तो भी हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखो दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, -1 2 4 और -3। ये दोनों पॉइंट क्या है, सर्कल के क्या है, डायमीटर के अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट जिनसे मिलके वो बनता है। अब -1 कॉमा 2 जो है ये हमारा x1 y1 है, और 4 -3 ये हमारा x2 y2 है। इससे यदि कंपेयर करोगे तो x1 का वैल्यू कितना है, -1, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और 4 -3 को x2 y2 से कंपेयर करेंगे तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 4 और y2 का वैल्यू हो जाएगा -3। अब फार्मूला लिखा हमने, x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y2 इक्वल टू 0। x1 की जगह -1 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये x प्लस 1। x माइनस x2 में x2 का वैल्यू पुट किया, x माइनस 4 प्लस y माइनस y1 में y माइनस y1 का वैल्यू पुट किया, और y2 की जगह y2 का वैल्यू पुट किया। बस इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास में इक्वेशन आएगी। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें दोनों पॉइंट, दो पॉइंट दिए होते हैं और उससे आप सर्कल का समीकरण निकाल सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला भी है। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो इस लेक्चर में तो वो मुझसे स्लाइड बाय स्लाइड पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े फिर यहां से। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े फिर। सर पूछो। सर ये फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट बाय, वो करवाया था ना सर आप, स्लाइड नंबर याद है तुमको? सर स्लाइड नंबर याद नहीं है, पर जो उसके बाद था सर जिसमें इक्वेशन से आंसर निकालना था वो वाला था। वन बाय वन तुमको दिखाता हूँ, तुम बोलना सर ये वाला, ठीक है जी सर। इसके बैक वाला ही था जस्ट सर, ये वाला, ये सर। हाँ हाँ ठीक है। देखो इसके पहले भी मैंने तुमको एक क्वेश्चन कराया था, वो भी दिखाता हूँ, उसको भी देखो और समझ में आएगा। इसके पहले मैंने तुमको एक क्वेश्चन कराया था, ये भी एक क्वेश्चन था। अब सुनो बस, मैं जो बोलता जा रहा हूं उसको सुनो। ये भी एक क्वेश्चन मैंने कराया था, इसमें भी ना एक सर्कल की इक्वेशन है, और इस सर्कल की इक्वेशन से मैंने स्टेप बाय स्टेप जो हमारा सेंटर रेडियस वाला, जो अभी आपको ना याद नहीं होगा, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ना सेंटर रेडियस जनरल, इसको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। इस वाले क्वेश्चन में मैंने केवल x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करके इसका सेंटर और रेडियस निकाल लिया था, एक तो ये। लेकिन जब मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई कि ये जनरल इक्वेशन भी एक इक्वेशन होती है सर्कल की, तो फिर मैंने उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया ये वाला। तो यहाँ आप देखोगे तो सर्कल का इक्वेशन बिल्कुल अलग तरीके से लिखा हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या करो, अपनी कॉपी में लिखो, बहुत आसान है, बहुत ये किसी पहेली को हल करने जैसा सवाल है, कोई बहुत टफ दिख बढ़ा रहा है क्वेश्चन, फॉर्मूले बड़े दिख रहे हैं, लेकिन इसको हल करना बहुत ही आसान है, बहुत जैसे पहेली को हल करते हैं ना, चित्र से चित्र को मिलाना है बस, और कलर भरना है आपको, एक कलर वाला चित्र है और एक बिना कलर वाला चित्र है, तो जो कलर किया हुआ चित्र है उससे आपको बिना कलर किए वाले चित्र को भरना है बस। कैसे, हमको जो इक्वेशन दी हुई है उसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर वन। फिर हमने क्या किया, जनरल इक्वेशन, क्योंकि प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के जैसे नहीं दिख रहा है, ये जनरल इक्वेशन के जैसे दिख रही है, इसलिए हमने यहाँ पे जनरल इक्वेशन वाला फॉर्मूला पहले लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इस क्वेश्चन में तो क्या है ना, एक्स स्क्वायर की जगह है, वाई स्क्वायर की जगह है, फोर एक्स की जगह है, मान लो ये आगे पीछे हो, कि ये एक्स स्क्वायर कहीं पीछे हो जाए, ये फोर एक्स कहीं आगे हो जाए, तो आपको पहले इसको ना इस जनरल इक्वेशन के हिसाब से इसको अरेंज भी करना है, यहाँ तो अरेंज्ड है ये ऑलरेडी, तो पहले आपको इसको से लिख लेना है इसी फॉर्म में, एक्स स्क्वायर पहले आएगा फिर वाई स्क्वायर फिर एक्स वाली चीज फिर वाई वाली चीज, इस तरीके से। अब हमने जनरल इक्वेशन वाला फॉर्मूला बिल्कुल इसके नीचे लिख लिया, अब हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि भाई एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, है, प्लस की जगह प्लस है, है, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, बिल्कुल है, लेकिन जैसे ही हम प्लस टू जी एक्स को देखते हैं और जो हमको इक्वेशन दी है वहां क्या लिखा है, वहां प्लस फोर एक्स लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये जो टू जी एक्स है ये फोर एक्स के बराबर है, ठीक है, वही हमने इसके थर्ड वाली जो थर्ड वाला जो लाइन है उसमें लिखा है, देखो टू जी एक्स इक्वल टू फोर एक्स ये लिख लिया। ऐसे ही ये टू एफ वाई को देखे तो ये इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस सिक्स वाई, तो इससे इसको कंपेयर किया तो टू एफ वाई क्या हो गया हमारा, माइनस सिक्स वाई, सी की जगह क्या लिखा हुआ है, फोर, तो सी का वैल्यू कितना हो गया, फोर। अब इस टू जी एक्स इक्वल टू फोर एक्स को हमको सॉल्व करके इस जी का वैल्यू निकालना है, तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2g इक्वल टू 4, अब ये g के साथ 2 है, इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया, जब इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे इस एरो के बाद, देखो एरो के बाद नया इक्वेशन आ जाएगा, 2g इक्वल टू 4 था, अब ये चेंज हो जाएगा g इक्वल टू 4 बाय 2 में, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो g का वैल्यू आ गया 2। इसी तरीके से 2fy को जब हमने कंपेयर किया तो हमको मिला था माइनस सिक्स y, y से y कैंसिल हो गया, बचेगा केवल 2f इक्वल टू माइनस सिक्स, इस माइनस सिक्स में अब ये 2 को जब हम इधर ले जाएंगे, इधर गुणा हो रहा है इधर भाग आ जाएगा, तो f इक्वल टू माइनस सिक्स बाई टू हो जाएगा, f का वैल्यू मिलेगा माइनस थ्री, तो हमको f भी मिल गया, c का वैल्यू सिंपली मिल गया, c को तो कंपेयर किया, c को का वैल्यू मिल गया 4। अब जो सेंटर होता है उसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि जनरल इक्वेशन में सेंटर का फार्मूला होता है माइनस जी माइनस एफ, तो g का जो वैल्यू है वो है 2, तो सेंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2, माइनस f मतलब f का वैल्यू है माइनस 3, तो माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो सेंटर का वैल्यू हो गया माइनस 2 और 3, और रेडियस का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g का वैल्यू रखा, f का वैल्यू रखा, c का वैल्यू रखा, तो रेडियस आ गया। तो इस तरीके से आप सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। अभी भी और कुछ नहीं समझ में आया तो अभी और पूछ लोगे, ये वाली स्टेप में यहाँ पे समझ में नहीं आया, या आगे बढ़े। सर जी क्या है? जी तो वेरिएबल है, जी कुछ नहीं है, जी तो उसका एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू हमको पता लगाना रहता है, जी एफ सी ये तीनों का वैल्यू हमको पता लगाना रहता है, इसको पता लगाने का ये एक तरीका है, कुछ मत करो, जो फार्मूला है फार्मूले से इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद में यदि हमको ये पता चल जाता है कि 2gx बराबर क्या है और 2fy बराबर क्या है, फिर उसको हमको हल करके g का वैल्यू और f का वैल्यू पता चल जाता है। क्यों g और f को पता करना है, क्योंकि सेंटर का फार्मूला क्या है,
सेंटर एच के भी है, जब इक्वेशन आप पहली वाली इस्तेमाल करोगे तो उसमें सेंटर एच के होता है जिसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, जब जनरल इक्वेशन को इस्तेमाल करोगे उसमें सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है। तो माइनस जी माइनस एफ जब तक पता नहीं होगा, जी और एफ, तब तक सेंटर पता नहीं होगा, ठीक है? यस सर। तो किसने प्रश्न पूछा था उसको ये समझ में आ गया ये सवाल? जी सर। अभी भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा, मैं और बता दूंगा। नहीं सर, आ गए। चलो ठीक है, और करके देखना, और कहीं दिक्कत होगी तो मुझे कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जी। तो और किसी को दिक्कत है, वरना फिर उसके आगे फिर एक ही सवाल हमारा बचता है, और किसी को परेशान? नो सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक और चीज पूछनी सर। हाँ पूछो सर। एक फाइंड द सेंटर एंड रेडियस करके क्वेश्चन था सर, जिसमें अपन को रेडियस और वो फाइंड करना था सर। तो उसमें सर जब आपने वो ब्रैकेट खोला था, हाँ उसमें सर वो माइनस करना जरूरी था? माइनस माइनस डायरेक्ट भी तो रख सकते थे अपन फाइव वैल्यू उसकी। ये वाली स्लाइड जी सॉरी, ये वाली या फिर इसलिए मैं कहता हूँ स्लाइड नंबर लिख लिया करो, या ये वाला? यही सर, यही सर। यस ये वाला ना? जी। इसमें क्या बोल रहे हैं तुम, क्या किया हमने? आप बोलो। जैसे एक्स प्लस फाइव स्क्वायर है ना सर। हाँ। तो इसके नीचे फिर अपन ने एक्स माइनस फिर ब्रैकेट माइनस फाइव किया। हाँ। तो अपन डायरेक्ट क्यों किया? ये क्यों किया? हाँ ये क्यों किया है ना? ये मैं बता रहा हूँ ये क्यों किया। ये इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ पे देखो तुम, इक्वेशन नंबर टू मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, वो तो मैंने ना एकदम से लिखूंगा तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए उसको इतना लिखना पड़ता है कि भाई जिसको एकदम से समझ में नहीं आया वो इसको भी समझे कि एकदम से प्लस फाइव का माइनस फाइव कहाँ से हो गया, है ना? तो वो कहने का मतलब ये है कि उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पहली बात तो ये प्लस फाइव को हम माइनस माइनस फाइव लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा फार्मूले में माइनस है, एक्स माइनस एच है, वो माइनस आएगा, तो यदि माइनस आएगा तो कैसे लिख दोगे आप माइनस, जब तक उसको माइनस फाइव नहीं लिखोगे, है ना? उसको कंपेयर करने के लिए, फार्मूले से कंपेयर, फार्मूले के जैसा उसको हमको दिखाना है कि ये देखो ये फार्मूले के हिसाब से ये जम गया है, तो एच का वैल्यू फिर माइनस फाइव हो जाएगा, वरना एच का वैल्यू यहाँ से पता ही नहीं चलेगा। एक्स प्लस फाइव यदि लिखेंगे और फार्मूला है एक्स माइनस एच, इक्वेशन है एक्स प्लस फाइव, तो दिक्कत है, यहाँ प्लस फाइव आ गया, माइनस चाहिए हमको, तो माइनस लाने के लिए हमने उसको ऐसा लिखा, ठीक है? जी सर। या कुछ और पूछना चाह रहे हो? बता पाया मैं जो तुम पूछ रहे थे? जी सर। हाँ मैं समझ गया, मतलब साइन भी उसी हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे फॉर्मूले के। हाँ उसको हमको क्या है ना, वो हमारा फार्मूला है उसके हिसाब से बिल्कुल जमा लेना है उसको, बट जमाते समय ये ध्यान रखना है कि उस इक्वेशन की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, अल्टीमेटली वो वैल्यू वही रहना चाहिए। इसलिए जैसे प्लस फाइव को मैंने जब माइनस माइनस फाइव लिखता हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस वापस प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है? चलो और किसी को कोई दिक्कत परेशानी इसी स्लाइड में नहीं तो आगे बढ़े। हाँ ये मैंने इसलिए रोक दिया था क्योंकि ये बहुत से लोगों से फर्स्ट टाइम में नहीं बनेगा, बहुत से लोगों से ये फर्स्ट टाइम में नहीं बनेगा, और ये वाला क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ आपको ये मिड टर्म में नहीं आएगा। मिड टर्म में इतना बड़ा क्वेश्चन तो आने से रहा, लेकिन इसके पहले जितनी चीजें डिस्कस की हैं उसमें से कुछ भी मिड टर्म में आ सकता है। सेंटर रेडियस पूछा जा सकता है, सर्कल की इक्वेशन पूछी जा सकती है, सर्कल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डायमीटर वाला जो अभी हमने किया था वो वाला सवाल पूछा जा सकता है ना? लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मिड टर्म के हिसाब का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये मेन थ्योरी एग्जाम में आता है। हाउ
ये टॉपिक तो नहीं मिलेगा आपको, हाउ टू सॉल्व वो थ्री लीनियर इक्वेशन विथ थ्री अननोन, ये टॉपिक आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नहीं आएगा आपको तो जो एक रिमेनिंग टॉपिक है सर्कल का, वो आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है उनके हिसाब से बिल्कुल आराम आराम से मैं बताऊंगा। इसमें मैंने ना दो इसलिए स्क्वायर बॉक्स बनाए हैं कि एक एक को दिया एक नंबर 1 और एक को दिया नंबर 2। अब इसको मैंने लिखा है हाउ टू सॉल्व थ्री लीनियर इक्वेशन, मतलब तीन यदि समीकरण आपके पास में हो, देखो यहाँ तीन इक्वेशन लिखी है 1, 2 और 3। जो तीन इक्वेशन आपके पास में हो तो इन तीन इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करें, इन हाउ टू सॉल्व थ्री लीनियर इक्वेशन विथ थ्री, हाँ एक चीज और लिखी है विथ थ्री अननोन, जबकि तीन वेरिएबल आपको पता नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल करने में आसान है लेकिन लेंदी है, थोड़ा सा लंबा है, करते करते बोर हो जाता है आदमी, है ना। तो इसको फुर्सत से आराम से मिड टर्म की एग्जाम के बाद फिर से इसको करना है, अभी और करके देखना, अभी तो 2 दिन और है आपके पास। पर ये आता है थ्योरी एग्जाम में, एक क्वेश्चन आता है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो 5 नंबर में आ जाता है, 5 नंबर 8 नंबर में आता है। हाँ तो हम यहाँ पे कि तीन इक्वेशन है आपके पास में, 1 नंबर इक्वेशन 1, नंबर इक्वेशन 2, नंबर इक्वेशन 3। और इन तीनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, इसमें एक्स है, वाई है और जेड भी है। कहने का मतलब ये है कि गणित में ये जो एक्स वाई जेड होते हैं ना, ये होते हैं वेरिएबल, या ये चीजें इनकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है, पर इनकी वैल्यू को हम पता लगा सकते हैं, है ना। लेकिन यदि कोई इक्वेशन है, यदि उसमें एक्स वाई जेड, तो तीन अननोन चीजें हैं, एक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता, जेड भी नहीं पता, लेकिन यदि इनका पता लगाना है तो कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए लगेगी हमको। तीन यदि अननोन चीजें हैं तो उनका पता लगाने के लिए आपको कम से कम तीन अननोन इक्वेशन आपको लगेगी, सॉरी तीन अननोन क्वांटिटी है तो उनका पता लगाने के लिए आपको तीन इक्वेशन लगेगी। तो यहाँ तीन अननोन क्वांटिटी है, एक्स वाई और जेड, तो इनका पता लगाने के लिए हमको तीन इक्वेशंस लगेगी जो है हमारे पास में, तीनों में एक्स वाई जेड है, इक्वेशन नंबर 1 में भी, इक्वेशन नंबर 2 में भी, इक्वेशन नंबर 3 में भी। अब इनका पता कैसे लगाया जाता है एक्स वाई और जेड का, वो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, वो क्यों किया वो बताता हूं। इस इक्वेशन नंबर 2 को मैंने पहले तो आप देखो मैंने क्या किया उसके साथ में, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा मतलब हर एक वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई, जो 4x + 2y - 2z = 0 है। यहां आप देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by 2, सो वी कैन एलिमिनेट जेड, वो उसको छोड़ो वो कैसे होता वो देखो, इक्वल टू 0। तो 4x तो हो गया हमारा 8x, 2y हो गया हमारा 4y, -2z हो गया हमारा -4z, और 10 हमारा हो गया 20। टू से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। इक्वेशन नंबर 4 कैसे आई इसको बस ध्यान रखो, इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो मल्टीप्लाई किया क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में देखो एक जेड है हमारे पास +4z, और इक्वेशन नंबर 1 में है -2z, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4z हो जाता है, माइनस वो भी -4z। ठीक है, अब हमने क्या किया, पेयर द इक्वेशन टू एलिमिनेट द जेड। अब जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको हमने लिखा 8x + 4y - 4z = 20। इसमें से हमने इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 2x + 8y + 4z = 32। इसको घटाएंगे, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, सॉरी जोड़ेंगे, तो 2x + 8y + 4z = 32। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया, ऐसे ही हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिखा 2x + 8y + 4z = 32, और इसमें ऐड किया इक्वेशन नंबर 3 को।
ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको नई इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या मिलेगी, 8x प्लस 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, 4y प्लस 8y करेंगे तो मिल जाएगा 12y, माइनस 4z प्लस 4z करेंगे तो ये कट जाएगा आपस में तो ये हो जाएगा 0, 20 प्लस 32 करेंगे हो जाएगा 52। तो हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 5। इसी तरीके से जब हम 2x प्लस अभी यहां पर थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, ओके काम करेंगे इसको, कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा लाइट भी चला गया है, थैंक यू सर, लाइट बंद हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू सर। किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो पूछ सकता है, वरना वन बाय वन आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, कोई प्रॉब्लम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू सर।